नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक चर्चा के एक नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में आपके साथ मैं शेयर करूँगा कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। और अगर ये टेक न्यूज़ पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है दोस्तों, ये फेसबुक की तरफ से। फेसबुक जो है फाइनली टेस्ट कर लिया है। मतलब अभी तक जो कमेंट करते थे उसमें GIF सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब जो है GIF सपोर्ट वाला कमेंट कर सकते हैं आप अपने तरफ से। मतलब कि कस्टम GIF जो आपके पास होगा, फाइल होगा, जो भी इमेज होगा, जो भी वीडियो होगा GIF में, उसको आप जो है कमेंट में भेज सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है दोस्तों BSNL की तरफ से। BSNL एक फिर से धमाकेदार ऑफर लेके आ रहा है, मतलब डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए, कि जो भी नॉन इंटरनेट यूजर हैं, जो लोग जिनके पास BSNL का कनेक्शन है लेकिन वो इंटरनेट को यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनको इंटरनेट पे लाने के लिए ये एक प्रमोशनल ऑफर कह सकते हैं कि 1 GB डेटा जो फ्री होगा। मतलब जो एक बार भी BSNL उस नंबर से रिचार्ज नहीं कराए होंगे तो उनके नंबर पर एक मैसेज जरूर हाल फिलहाल कुछ दिन में आपके पास जाने वाला है। अगर आपके पास BSNL का नंबर होगा तो आपके पास एक मैसेज जाएगा जिसमें जो है वो लिखा रहेगा कि 1 GB डाटा जो है आपके नंबर पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, मतलब कोई चार्ज किए बिना, ताकि आप इंटरनेट को एक बार यूज करें। और जब आप यूज करने लगेंगे तो इसके बाद तो टाइम टू टाइम तो पेड कर भी कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट न्यूज आ रही है आईफोन 8 की तरफ से। निकल के आ रहे हैं कि अब जो है लॉन्च करने के बाद जो है इसका जो क्वांटिटी जो है लिमिटेड क्वांटिटी रहेगा। मतलब कि पहले जो था जितना मन है उतना नहीं, जैसे अभी MI का फ़ोन रहता है लिमिटेड क्वांटिटी रहता है, इसी तरह से इसका जो है लिमिटेड क्वांटिटी रहेगा और इस ज़्यादा सेल नहीं करना है, ठीक है, ताकि इसके लिए जो है लोग और क्रेजी हो सकें। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों, ये है विकीलीक्स की तरफ से। विकीलीक्स ने अपना जो है फाइल जो है अपलोड कर दिया अपने वेबसाइट पे, वो है एप्पल का हैकिंग टूल्स के बारे में। अब वैसे एप्पल कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन विकीलीक्स कह रहा है कि ऐसा कर दिया ऑलरेडी। तो एनीवे ये था हैकिंग से न्यूज़ था, तो इसलिए मैं आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों, फिर वो है सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड, जैसा कि मैं हमेशा लाते रहता हूँ। वो ये है कि अभी जो सर्वे हुआ है वर्ल्ड में, जो है ऐसा बहुत सारे कंपनी है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्वे करते रहता है, उस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ऐसा आया है कि अभी जो मोस्ट ऑफ मोबाइल डिवाइस है वो आउट ऑफ डेट है। मतलब कि वो अपडेटेड नहीं है और इसको पैचिंग करने की ज़रूरत है। मतलब कि जो लेटेस्ट अपडेट है उसको उसमें इंस्टॉल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज फिर आ रही है दोस्तों, वो भी है एक चौंकाने वाला न्यूज़ है, और वो है कि फेक माइनक्राफ्ट गेम जो है, माइनक्राफ्ट मोड करके गेम प्ले स्टोर पर मिल रहा है, वो जो है फर्जी, ओरिजिनल नहीं लेकिन फर्जी जो है अप्रॉक्स मिलियंस डाउनलोड के नियर अबाउट हो चुका है। मतलब इतने डाउनलोड हो चुके हैं, सोच लीजिए कि अभी प्ले स्टोर पर जो है कितना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है इसको। तो इससे कोशिश कीजिए कि आप लोग बच के रहिएगा, ताकि आप लोग को कोई नुकसान ना हो, इसलिए फर्जी एप्लीकेशन जल्दी इंस्टॉल नहीं कीजिएगा। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ कि आपको कैसे अपने आप को सेफ रखना है, कैसे पहचानिए कि ये फर्जी एप्लीकेशन है या ओरिजिनल एप्लीकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज आ रही है दोस्तों ओपेरा मिनी की तरफ से। ओपेरा मिनी का लेटेस्ट अपडेट आ गया है। इस अपडेट में जो आप जो है डाउनलोड जो है फास्ट कर सकेंगे। इसमें जो है कुछ अपडेटिंग किया, कुछ टेक्नोलॉजी नया लाया गया है, जिसमें क्या है कि पहले ओपेरा में था, अब ओपेरा मिनी में भी आ गया है। वो है डाउनलोड आप फास्टली कर सकते हैं, साथ साथ जो है फेसबुक नोटिफिकेशन के लिए आ गया है और बहुत कुछ धीरे धीरे अपडेट दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज आ रही है दोस्तों, वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट मतलब एक न्यूज़ निकल के आई है कि फ्लिपकार्ट बहुत जल्द जो है इसको ईबे इंडिया को एक्वायर करने वाला है। तो फ्लिपकार्ट दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, लेकिन बीच में जैसा कि मैं आपको एक न्यूज़ में बताया था कि इसको भारी नुकसान ये हो गया था कि ये फर्जी जो है प्रमोट करना शुरू कर दिया था, मतलब कि यूजर को थोड़ा धोखा दिया था, लेकिन अब संभल गया है, अब कोशिश कर रहा है कि यूजर को जेन्युइन चीज़ ही दे। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। साथ साथ जो है एक और न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं भूल गया था। ये है दोस्तों भीम एप्लीकेशन, जो UPI है भीम नाम का, गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। इसके तरफ से आ रही है दोस्तों एक न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था, निकल के ये आई थी कि एक यूजर है जो 10,000 रुपया जो है वो भेजे अपने फ्रेंड के पास, लेकिन वो पैसा नहीं पहुँचा और उनके अकाउंट से कट गया। उनको मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर चौधरी, जो 10,000 रुपया जो उनके खाते से निकल तो गया लेकिन जिनको भेज रहे थे उनके पास नहीं पहुंचा। तो ये प्रिंटिंग मीडिया से था, लेकिन ये टेक्निकल न्यूज़ था, इसलिए मैं सोचा आप लोग को जरूर बता दूँ। तो आई होप ये टेक न्यूज़ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे लाइक बटन लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ साथ कोई सवाल नहीं सुना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अभी तक एज इन फॉर्मो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री है। फायदा ये रहा है कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।